हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने चक्र कैसे ओपन कर सकते हैं? अब ये इसके ऊपर शायद मैंने पहले कुछ अलग सा वीडियो बनाया होगा, बट दिस इज़ व्हाट ये मुझे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कमेंट्स में, और यस पर्सनली भी काफ़ी लोग आकर मुझसे पूछते हैं, तो इसीलिए आई नो दैट दिस इज़ समथिंग कि जो आप भी जानना चाहेंगे, तो इसीलिए ये वीडियो मैं वापस बना रही हूँ आपके लिए। तो जी हाँ, सी यहाँ पर इस वीडियो में स्ट्रेट फैक्ट्स है, यहाँ पर मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? कोई मेथड नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन मेथड कौन कौन सी है वही आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो यस जी हाँ, कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बिकॉज जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ टू द पॉइंट बताने वाली हूँ, कुछ भी ज़्यादा डिटेल है नहीं बताने वाली हूँ, बट यस जो भी टू द पॉइंट आपको मिलेगा वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगा, तो इसीलिए कोशिश कीजिए पूरा वीडियो आप देखें, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। चलिए तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मुझे शेयर करना है कैसे कैसे आप अपने चक्र ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड है कि दैट इज़ मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन आप कीजिए जिससे आपके चक्र ओपन हो सकते हैं। अब ये जानने से आपको दो बातें हो सकती है, या पहला तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, अरे वाह कोई भी मेडिटेशन करने से चक्र ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी मेडिटेशन करने से आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं और जो अपने चक्र ओपन नहीं करना चाहते हैं वो शायद थोड़े से घबरा सकते हैं कि भाई नहीं, हमें चक्र ओपन नहीं करने हैं, तो मतलब क्या हमें मेडिटेशन नहीं करना है? सी नॉट एग्जैक्टली, चक्र ओपन करने की प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है, ओके? अगर आप अपने सारे चक्र ओपन करना चाहते हैं, सालों के साल लगते हैं उसमें, बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं पूरी दुनिया में, आई थिंक जो बिलियंस ऑफ लोग होते हैं उनमें से गिने चुने कुछ लोग होंगे कि जिनके सारे चक्र एक साथ ओपन होते हैं, बाकी यूजुअली सबको बहुत सालों की मेहनत लगती है जिसके बाद चक्र ओपन होते हैं। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आई डोंट थिंक रातों रात आपके सारे चक्र ओपन हो जाएंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ओके? अब दूसरी बात, अब अगर आप मुझे पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा कौन सा मेडिटेशन सबसे अच्छा होगा चक्र ओपन करने के लिए, सी मुझे पता है कि कुछ लोग मार्केटिंग करने के लिए, कुछ लोग सिर्फ उनका मेडिटेशन बिके इसीलिए, काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं बस यही वाला मेडिटेशन करो इससे सबसे जल्दी आपका चक्र ओपन होगा, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं, बट सी आई डोंट से दैट ओके वो गलत है। कुछ ऐसे मेडिटेशंस होते भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन कोई सा भी मेडिटेशन आप करो कि जिससे आपके चक्र ओपन हो सकते हैं, ओके? तो वो पहली चीज़ है। दूसरी सबसे पावरफुल मेथड, आई वुड से जो दूसरी मेथड मैं बता रही हूँ वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली वो नंबर वन पे है, कि जो सबसे ज़्यादा आपको चक्र ओपन करने में हेल्प करेगी वो है कि गुरु से दीक्षा, गुरु की जो दीक्षा है वो आपको सबसे जल्दी आपके चक्र ओपन करने में हेल्प करेगी। नाउ व्हेन आई से जल्दी से जल्दी, दैट डज नॉट मीन कुछ दिन में या रातों रात, ओके? जल्दी से जल्दी मेथड में भी कुछ साल होते ही हैं, लेकिन वहाँ पर श्योर शॉट आपको गारंटीड पता होता है कि आपके चक्र उस मेथड से ओपन होने ही वाले हैं, राइट? जैसे मैंने कहा कि कुछ मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो मेडिटेशन में सालों लग सकते हैं, प्लस आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि कि कब आपके चक्र ओपन होंगे, बट यस गुरु की दीक्षा से डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा गारंटी के साथ आपके चक्र ओपन हो ही जाएंगे अगर आप वो करते जाते हैं तो। उसके बाद अगला है भक्ति योग है, राइट? भक्ति योग मतलब कि आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उनके साथ आप भक्ति भाव प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे भी आपके चक्र ओपन होते हैं। कुछ लोगों को आप देखो मतलब और कुछ भी नहीं करते, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करते, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ करने से भी उनके काफ़ी ज़्यादा उनका उनके स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इट जस्ट डिपेंड्स आप कौन सी मेथड फॉलो करते हैं। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो है हठ योग। हठ योग से भी बहुत ही ज़्यादा आपके चक्र ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हठ योग आपकी बॉडी की जो एनर्जी के जो सेंटर्स हैं, एनर्जीज जो है उसे बिल्कुल बैलेंस्ड रखता है, बॉडी में ऐसे ब्लॉकेजेस ना बने उसके लिए आपकी मदद करता है। तो दैट इज़ वाई हठ योग इज़ इम्पॉर्टेंट। और काफ़ी ज़्यादा योग है होते हैं, कुंडलिनी योग होता है, हठ योग होता है, फिर राजयोग होता है, जितने भी योग है आपको सारे के सारे योग जो है वो मदद करेंगे चक्र ओपन करने में, ठीक है? बट या मैंने जैसा कहा कि मैं यहाँ पर कुछ ही मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ, तो इसलिए आपके साथ ये चार मेथड्स मैंने फॉलो की है। अब आप कौन से मेथड फॉलो करने वाले हैं, करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट्स में।
अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बेसिस पर तो भी आप यू नो पूछ सकते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपको कोई सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। दूसरा, मेरी मतलब मैं कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस खुद करती हूँ उसके बारे में भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेंगे। तो या अगर आपने वो सारे सवाल पूछे हैं तो देर आर चांसेस कि आपको कोई उस कमेंट का कोई रिप्लाई ना मिले। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज़ यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।